बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पतों की आप सबको कहिए से होंगे। रिंग रोड रावलपिंडी के अपडेट आपसे शेयर करता रहता हूँ। आज जो है मैं दोबारा से आपके साथ अपडेट शेयर करने लगा हूँ। अभी मैं मौजूद हूँ रिंग रोड रावलपिंडी का जो पहला इंटरचेंज होगा फेज वन का, वहाँ के करीब वहाँ से तकरीबन उसका फासला 12 किलोमीटर है। आगे जो सात है 15 वाला 4 किलोमीटर है। उसका पहला इंटरचेंज होगा पहले आपको दिखाता हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं जो डेमोलेशन जो है हुई है, ये जो घर है, ये सामने जो आपको एक बड़ी मेरी चौकी दिखाई थी, उन पर कमी काफी बड़ा जो है ना, इसको रेली की काफी बड़ी है ये सामने। तो फिलहाल इसकी डेमोलेशन नहीं हुई क्योंकि इस पर काफ़ी सारा हिस्सा भी बीच में आ गया है। उस साइड पे एक फैक्ट्री है, ये भी बीच में, इसके भी ये छत वगैरह उतारने का काम जारी है। ये भी मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये साइड पे आप देख सकते हैं ये मुकम्मल तौर पे इसके बीच में आ चुकी है, इसका प्रोसेस भी शुरू हुआ है। 38 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो यहीं से शुरू हो रहा है इसका फेज़ वन का। तो अभी हम चलते हैं आगे तक जो है चकबेली तक, इंशाल्लाह आपको अपडेट आप उसकी देंगे। चकबेली रोड का जो इंटरचेंज है 10 RD पे वो आता है, चलते हैं फिर उधर तक। बाकी आगे हम चलते हैं, यहाँ से सीधा आगे कल्याण वाला जो ब्रिज है वो भी आपको दिखाते हैं। ये जो घर है इनके फिलहाल डेमोलेशन शुरू नहीं हुई, ये भी बीच में आ रहे हैं कुछ दरख्त वगैरह, तो आप देख सकते हैं ये उखड़े हुए सारे। और यहाँ पर एक आइसक्रीम की फैक्ट्री थी, ये मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं ख़त्म हो चुकी है यहाँ से। और ये कब्रिस्तान जो है ये भी बीच में आया, ये आप देख सकते हैं कब्रें फिलहाल ट्रांसफ़र नहीं हुई, ये साइड से इसकी दीवार वगैरह जो है ये उखड़ गई है मुकम्मल तौर पे। रोड की चौड़ाई आप देख सकते हैं इस हिसाब से जो है वो घर भी बीच में है सारे। आगे जो मशीनरी लगी है वो चल के आपको दिखाते हैं, आगे जो कलियाम शरीफ की तरफ रोड जा रही है। यहाँ पर ग्रेडिंग का प्रोसेस जारी है, ये आपके सामने जो है ग्रेडर लगा हुआ है। बाकी आगे भी डेमोलेशन हुई है, ये सामने जो घर आपको नज़र आ रहे हैं डेमोलेशन का प्रोसेस जारी है, बुलडोज़र लगा हुआ है। ये सामने आपको बुलडोज़र नज़र आ रहे हैं, साथ साथ इसकी कंपेक्शन भी जारी है, रोड रोलर्स खड़े हैं। मुकम्मल तौर पे मलबा जो है घरों का हटाया जा रहा है, इस एरिए को जो है वो आप देख सकते हैं क्लियर किया जा रहा है। ये सामने जो है एक बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का कोई ऑफिस वगैरह है, इन्होंने अपना बनाया हुआ है ये थोड़ा सा साइड पर। और ये जो है मार्केट है छोटी सी, ये भी बीच में आई है और ये कल्याण रोड शुरू हो गई है। यहाँ पर जो है इसका एक ब्रिज होगा इसी के साथ ही, ये पता नहीं अब सब वे देते हैं या क्या करते हैं आगे कल्याण शरीफ को। ये जो आगे ब्रिज है ये काफ़ी तंग है, वो भी मैं चल के आपको दिखाता हूँ दोबारा से। यहाँ पर फिलहाल कोई जो है मशीन नहीं लगी, टेस्टिंग मशीन जो होती है। बाकी ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है ये कल्याण शरीफ की तरफ जाने वाला ब्रिज है। तो काफ़ी आवाम को यहाँ पर मसला होता है क्योंकि एक ही गाड़ी गुजर सकती है एक टाइम में, बाकी जो है यहाँ पर खड़ी हो जाती हैं। फिर तो ये ऊंचाई भी है इसकी, तो लोड गाड़ी को भी जाने में मसला होता है। अब देखते हैं यहाँ पर फिर एक इनके लिए अलग ब्रिज बनता है या क्या है। बेहतर यही है कि एक बड़ा ये रेलवे के ऊपर ब्रिज जो उसी में से इसको साथ जो है नीचे सेंटर पास मिल जाए, सीधा एक ओवर ब्रिज हो इसके लिए ये ख़त्म हो जाए, ताकि ये भी तकरीबन एक्सपायर हुआ होगा। बाकी इस साइड पर जो है ये सामने नया ब्रिज होगा इसका, रेलवे ब्रिज रिंग रोड का मेन जो ब्रिज है। बाकी साइड पे ये सामने जो घर आप देख सकते हैं इनकी डेमोलेशन जो है वो हो चुकी है, काफ़ी सारी जो घर बीच में आई हैं। ये साइड पे तो आबादी नहीं है। और बांट के बाद जो आगे गांव आ जाता है चंबा पापीन, ये वाले घर जो हैं इसमें मुतासिर हुए हैं, ये मैंने जो आपको दिखाए हैं। यहाँ पर भी एक्सवेशन वगैरह हुई है इनके, आगे डेमोलेशन प्रोसेस लगा हुआ है, लोग अपने जो है मलबा वगैरह उठा रहे हैं घरों का, इंटे वगैरह निकले हैं। जो यहाँ से अगला फिर एरिया आपको दिखाते हैं चल के। और भी आप देख सकते हैं ये भी एक घर नया बना था, पहले मैंने आपको दिखाया था, इसकी भी जो डेमोलेशन का प्रोसेस है वो हुआ है। बाकी चंबा पपीन का एरिया क्रॉस करके हम आगे आए हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ग्रेटर लगे हैं, डंपर्स वगैरह खड़े हैं। और ये सामने जो है आगे ये रोड कल्याण शरीफ की तरफ ही जा रही है, चंबा पपीन और कल्याण जो है ये मिड रोड है, इसके दरमियान में आ जाती है। यहाँ पर भी सब वे होगा, सरकारी रोड है। और आगे ये आप देख सकते हैं ये सामने जो कल्याण शरीफ का गाँव है, ये सारा कल्याण शरीफ का एरिया आ जाता है, इनकी ज़मीनें हैं। इस साइड पे ये घर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये फिलहाल तो रोड से साइड पे ही हैं, फिलहाल बच गए, बाकी आगे चल के देखेंगे इंशाल्लाह इनका फिर क्या होता है, फिलहाल जो है साइड पे ही हैं। और ये सामने सारा जो है कल्याण शरीफ दरबार का एरिया आ जाता है आगे करके,
भाई ये सामिया कल्याम है, इसमें भी अभी हमें सही समझ नहीं आती। इधर चलते हैं आगे, फिर बसाली की तरफ भी निकलेंगे इधर से ही। और ये आपको रेड निशान नज़र आ रहा होगा, ये वाला जो है यहाँ तक 300 फुट का आखिरी निशान आ रहा है, और दूसरा वो सामने जो गाड़ी खड़ी है इधर तक 300 फुट का ट्रैक है सारा। बाकी गंदम की फसलें भी आप देख सकते हैं, काश थे ग्रेटर्स लगे हैं, लगातार डेम्पर्स आ रहे हैं। बाकी ये सारा जो है डो कश्मीर का एरिया है, ये भी यहाँ पर एक सरकारी रोड है, यहाँ पर भी सब वे होना है। और ये डेम्पर्स आप देख सकते हैं इस साइड से आ रहे हैं, ये जंगल वगैरह क्रॉस करके इस साइड से मट्टी ला के आगे जो है ये डाल रहे हैं। डो कश्मीरियों का एरिया, और इस साइड पे ये कब्रिस्तान है, कल्याम शरीफ का सबसे कदीमी कब्रिस्तान है इस साइड पर। ये बच गया है मुकम्मल तौर पर साइड पर रोड से। बाकी ये आगे का एरिया आपको चल के दिखाते हैं, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा फीलिंग होनी है, काफ़ी ज़्यादा जो है गहराई वाली जगह, जंगल ही था इस साइड पे भी आगे। और जिस तरह से ये आपको जंगल नज़र आ रहा है, कीकर के दरख्त हैं सारे, ये ख़त्म हो चुके हैं। और यहाँ पर डेमोलिशन हुई है कुछ, उस साइड पे भी हुई है, ये घर बीच में आई है। बस अल्लाह करे हुकूमत इनको बेहतर से बेहतर रेट्स दें, ताकि आगे जो है ये लोग अपने घर तमीर कर सकें। सर्दियाँ आ चुकी हैं, हुकूमत से यही अपील है कि बस जो है बेहतर से बेहतर इनके बारे में सोचें। और ये सामने जो आबादी आपको नज़र आ रही है, मोड़ा हर दो जग्गी कल्याम शरीफ, उससे आगे जो है मोड़ा मीर बख्श है, और इससे आगे जो है मोड़ा मीरखानिया है। पहले मैं आपको इनका कब्रिस्तान दिखा देता हूँ। ये कब्रिस्तान जो है आप देख सकते हैं, इसकी दीवार वगैरह काफ़ी बीच में आई है। ये दूसरी साइड से ही कब्रिस्तान जो है इन्होंने कब्रें शुरू की थी, इस साइड पे बिल्कुल कब्रें नहीं है। जो रोड में आई है साइड, ये आगे कब्रें हैं सारी, उस साइड पर जो है ये जनाजा का वगैरह बनी हुई है, तो ये बच गई हैं जो मुकम्मल तौर पर ना, इसकी दीवार ही बीच में आई है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये साइड पर जो है रिंग रोड का ट्रैक है सारा, ये सारा तकरीबन कल्याम का ही एरिया। बस मुख्तलिफ आगे जो डॉक बनी हुई हैं, ये इलाके इनके नाम है। और ये दूसरी साइड पे कल्याम सईदों का एरिया आ जाता है, ये सामने आप देख सकते हैं। ये सारी जो है हरी भरी ज़मीनें थी, इस साइड पे आप देख सकते हैं अभी भी फसलें काश्त हैं, और इस साइड पे भी हैं। दरमियान में जो है 300 फुट के ट्रैक में जितनी ज़मीनें आई हैं, ये जो है कवर हो चुकी हैं, अभी इन पर वर्किंग जारी है, काफ़ी टाइम इस पर लगना है। काफ़ी फिलिंग यहाँ पर होगी, मतलब रोड ऊँची होगी साइड वाली ज़मीनों से। अभी चलते हैं फिर हम आगे की तरफ, ये ट्रैक बना हुआ है, इंशाल्लाह बाइक आगे तक चला जाएगा। और ये कल्याम सईदों के पास ही और मोड़ा में पक्ष के एरिए में कल्याम में, ये देखें आप, यहाँ पर जो है रोड को डाउन किया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा, ये डंपर जो है फिल हो रहे हैं यहाँ से। अभी इसका कन्फर्म नहीं है कि डाउन होगी या मतलब ऊपर होगी, क्योंकि कंपेक्शन करनी है इन्होंने, बाद में रोड आप देख सकते देखते हैं जी बैठ जाती है, इसी वजह से कि जल्दी में काम होते हैं। लेकिन इसको ना काफ़ी जो है गहरा करके कंपेक्शन की जाएगी। FWO ने माशाल्लाह से मशीनरी इधर तेज़ी के साथ लगाई है, आगे भी लगी हुई है। तो अभी हम जो है यहाँ से नीचे उतरेंगे, आगे की तरफ जाएंगे। दो दो किलोमीटर तक का ट्रैक तकरीबन हर कंट्रैक्टर को मिला हुआ है, लेकिन इस साइड में मशीनें हमें जो है वो कम ही नज़र आई हैं। ये आगे जो ट्रैक है 1 किलोमीटर का, इधर कम ही मशीनें लगी हैं, बस सिर्फ ग्रेडर से जो है ना ट्रैक को क्लियर किया गया है। हदबंदी जो है तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, आगे ठलियाँ तक डेमार्केशन जो वो मुकम्मल हो चुकी है। अभी हम आगे की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जी ग्रेडिंग का प्रोसेस जारी है, कंपेक्शन भी साथ साथ हो रही है। अभी हम यहाँ से बाइक जो है ये नीचे उतार रहे हैं, तो इसी साइड से आगे चलते हैं। रास्ता तो थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है आगे जाने का, लेकिन इंशाल्लाह निकलेंगे इधर से ही हम आगे। ये भी काफ़ी ज़बरदस्त जो है यहाँ की मिट्टी है, ये आप देख सकते हैं जो ढलान ख़त्म की जा रही है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कटिंग होनी है इस साइड पे, इधर ट्रैक जो है वो मुकम्मल तौर पे 300 फुट का अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ये कटिंग होगी तो फिर ही कोई कंफर्म होगा कि किस तरह से इन्होंने आगे करना है इसको क्लियर। और ये एरिया आप देख सकते हैं पहले की नस्बत जो है काफ़ी ज़्यादा कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। और ये कल्याम मीरखानी का है, इस गाँव और ज़मीनें यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि दरख्त की साइडों से आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर जो है कटिंग हो चुकी है इनकी। यहाँ से जो है हम रास्ता देखते हैं दूसरी तरफ जाने के लिए। और ये सामने कल्याम मीरखानी का एरिया है, ये जो नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर जो है कल्याम का एंड हो जाता है, यह सामने लोसर का एरिया शुरू हो जाएगा।
चकबेली रोड से जो आगे लोसर जो है गाँव की तरफ रास्ता आता है, पहले तो यहाँ से डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं जाता था आगे, तो अभी यहाँ से जो है रास्ता जाया करेगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मुकम्मल जो है ये फिलिंग होनी है यहाँ पर, आगे मशीनरी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। उधर भी फिर हम चलते हैं, यहाँ पर भी आगे कलवर्ट एक होनी है, उस पर वर्किंग हो रही है, वो भी आपको दिखाते हैं। फिलहाल जो स्ट्रक्चर उसका तैयार तो नहीं होना, क्योंकि पहले ऊपर से इसको क्लियर करेंगे ट्रैक को, बाद में कलवर्ट पे वर्किंग होगी। और ये जो आपको मेन नज़र आ रही हैं लाइंस जो हैं HTV लाइंस हैं इलेक्ट्रिसिटी की, इनको भी जो है वो चेंज किया जाएगा। इलाके के लोगों को काफ़ी मसला है, क्योंकि आगे जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं इनकी, छोटे मोटे जो खंभे हैं यहाँ पर बिजली के, उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। लाइट जो काफ़ी बंद रहती है यहाँ पर। और यहाँ पर एक पहले जो ये जगह आपको नज़र आ रही है क्लियर हुई, यहाँ पर एक दरबार होता था वली अल्लाह का, उनको जो है फिर दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया गया, इधर गाँव की तरफ ही उनकी कब्र ट्रांसफ़र हुई है। तो अभी हम चलते हैं जी लोसर गाँव की तरफ, ये वाला एरिया चेक करते हैं आगे क्या कुछ वर्किंग हुई है, इंशाल्लाह रास्ता तो हमें मिल ही जाएगा आगे जाने के लिए। चलते हैं आगे। और ये आपको निशान दर नज़र आ रहा है, ये आखिरी इसके जो है नाद है, बाकी साथ में ये ज़मीन है। दूसरी साइड पे भी जो है काफ़ी दूर निशान लगा हुआ है, वो यहाँ से आपको शायद ना ही नज़र आए, ये येलो आपको नज़र आ रहा है, फ्लैग एक लगा है। तो ये 300 फुट का मिड कट रहेगा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फिलिंग होनी है आगे तक जो है। जब तक रोड बनती है आवाम के मज़े हो गए हैं, ये देखें जी क्रिकेट चल रहा है। और ये हमें रास्ता मिल गया, यहाँ से हम पार हो जाएंगे। ये बाउजर लगा हुआ है पानी का, यहाँ से भरे हैं इसमें टैंकर में। यहाँ पर भी कलवर्ट होनी है, इलाके का जो पानी है सारा कल्याम शरीफ और लोसर गाँव का इसी के थ्रू आगे जाएगा। ऊपर से चल के आपको इस एरिया का व्यू कराते हैं। यहाँ पर तो ये आप देख सकते हैं लगा हुए हैं एक्सवेटर्स, यहाँ पर भी हैं और ऊपर भी हैं दोनों साइड्स पे। और यहाँ से आप देख लेंगे साइड की वर्किंग जो है काफ़ी तेज़ी के साथ जा रही है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फिलिंग होनी है। कंपेक्शन भी साथ साथ की जा रही है, डैम्पर्स जो है धड़ाधड़ आ रहे हैं, फिलिंग कर रहे हैं, साइड से जो है वो मिट्टी आ रही है, कुछ जो है ये आगे ढलान ख़त्म की जा रही है, ये भी जो है वाइट मार्किंग जो आप देख सकते हैं हुई हुई है। अभी हम यहाँ से कोई रास्ता ढूंढते हैं दूसरी तरफ जाने का, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है हो रही है इस साइड पर, आगे रास्ता नहीं है, तो रास्ता ढूंढते हैं हम दूसरी साइड से। यहाँ से आगे भी एक कलवर्ट होनी है, वो भी आपको चल के दिखाते हैं। यहाँ पर ये ग्रेडर आप देख सकते हैं लगा है, FWO की मशीनरी माशाल्लाह काफ़ी तेज़ी के साथ है इस साइड पे। यहाँ से पार होने की हम कोशिश करते हैं, इनसे रास्ता लिया है थोड़ा सा, हमें गुजरने दें। यहाँ से कोई थोड़ा मुश्किल है लेकिन उतर जाएंगे इंशाल्लाह। खुशबू जो आ रही है यहाँ पर मट्टी की, बस क्या बताऊँ आपको, बहुत ही ज़बरदस्त है। सिंचाई के बाद जो यहाँ पर आ रही है खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। ये भी एक का सहार है ऊपर लोसर की तरफ से, यहाँ पर भी कलवर्ट होगी एक। आज हमें जाने में मुश्किल थोड़ी हो रही है, क्योंकि काम काफ़ी तेज़ी के साथ है, इधर जो रास्ते बने हुए थे वो थोड़े डैमेज हुए हुए हैं। आगे भी एक्सीलेटर लगे हैं, वो भी देखते हैं। आपको जी वर्किंग दिखा रहा हूँ इसकी, मट्टी की जो खुशबू है क्या कहूँ आपको, बहुत ही ज़बरदस्त है इस साइड से। अभी हम देखते हैं जी हमें कोई रास्ता मिल जाए पार जाने का, फिलहाल तो हम यहाँ पर ही लगे हैं। ये भाई साहब सलाम कर रहे हैं जी, इनको भी सलाम है, दिन रात इन्होंने एक किया हुआ है। और वो हमें रास्ता मिल गया है जी ऊपर जाने का, इधर से हम चलते हैं आगे।
और ये नाम पढ़े जी, शेर खान ड्राइवर मुल्तान खान नाइक, बहुत ही ज़बरदस्त नाम इसके ऊपर लिखा हुआ है। अभी ये डेम्पर देखें जी, इसकी पावर आप चेक करें ज़रा। और ये एक बैक पे भी आ रहा है, आम डेम्पर तो यहाँ पर चलना जो है बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसकी अभी पावर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें जी किस स्पीड से जो है, यहाँ पर बाइक भी पास कर जाता है, एक बंदा जो है बैठा हो 1-5, लेकिन इस डेम्पर की पावर देखें आप माशाल्लाह से किस तरह जो है। ये अभी ये दूसरा भी आ गया है, इनकी पावर आप चेक करें। ये इन्हीं डेम्पर्स का काम है, इस रोड को क्लियर करना, इस ट्रैक को। और ड्राइवर्स को भी सलाम है। यहाँ पर भी लोग लगे हुए हैं, दो सब हैं जो गाँव में अपने दरख्त वगैरह उठा रहे हैं, ये सामने आप देख सकते हैं। तो ये ईंटों के पट्टे हैं जहाँ पर दो सब में जो मौजूद हैं। और ये टिमर रेतियाल का एरिया है लोसर गांव के करीब ही, ये सरकारी रोड है, यहाँ पर सब वे होना है। और रात से जो है ना यहाँ तक 5 किलोमीटर एग्जैक्ट ट्रैक बन रहा है, ये आप निशान भी देख सकते हैं, 5 किलोमीटर का ट्रैक बन रहा है रिंग रोड का। और ठलियाँ वाली साइड से ये जो जगह है, ये तकरीबन जो है आपकी बनेगी 33.3 किलोमीटर, ये वाली रोड है। आगे गाँव भी हैं, बाकी मज़ीद आगे तक ये जा रही है, कोई हमें इतना खास आइडिया नहीं है। सिग्नल भी यहाँ पर कम आ रहे हैं, यहाँ पर जो है सब वे होना है, इसका सरकारी रोड है, इसको रास्ता दिया जाएगा। और यहाँ से आगे हम सीधे निकलते हैं, आगे भी जो है बसाली का एरिया शुरू होगा, यहाँ पर डेमोलिशन हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं घर जो बीच में आए हैं। यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा गहराई तक इसको लेके जाया जा रहा है, इंस्पेक्शन इसकी होगी बाद में, फिर हम साथ साथ आपको अपडेट देते रहेंगे रोड की ऊँचाई कितनी होनी है। यहाँ से हम रास्ता ढूँढ रहे हैं नीचे की तरफ जाने का, और ये भी एरिया आ गया बसाली के करीब, यहाँ पर भी कलवर्ट होगी, साथ में कंपेक्शन वर्क भी जा रही है, इधर डैम्पर्स लगे हुए हैं, ग्रेडर्स भी, ये सामने भी आप देख सकते हैं रोड रोलर्स खड़े हैं। यहाँ से हम ऊपर चलते हैं, अभी काफ़ी मुश्किल जो है ट्रैक है इस साइड पे। ये मैं पहुँच चुका हूँ जी 5.5 RD पे, ये मैं बसाली रोड के बिल्कुल पास पहुंच चुका हूँ, 5.5 RD का एरिया है। और यहाँ पर ये घर मैंने पहले भी आपको दिखाए थे कुछ दिन पहले, जो कि रोड में आए थे मुकम्मल तौर पे, आप देख सकते हैं कोई 8-10 घर उनकी डेमोलिशन हुई है। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा मकान यहाँ पर बना हुआ था, वो भी आपने देखा होगा, पिछली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हुई चैनल पर नए हैं तो वो भी देख लें। मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं जी मलबे का ढेर बन चुके हैं, बस गवर्नमेंट से यही अपील है बेहतर से बेहतर इनके लिए करें, ताकि ये लोग अपने मकान जो है बना सकें। अभी कोई ख़ास हमें मालूमात नहीं है ये कहां पर ये लोग शिफ्ट हुए हैं, काफ़ी सारे जो है ना आगे कच्चे मकान भी थे लोगों के जो बीच में आए हैं, साथ में ज़रूरी ज़मीनें भी आप देख सकते हैं। ये जो है एरिया काफ़ी सारा इसके बीच में आया है, ट्रालियाँ खड़ी हैं, लोग जो है वो मलबा उठा रहे हैं, ये चुकाट आप देख सकते हैं घरों की चुकाटें अब जो है सामने आ चुकी हैं, ईंटें वगैरह भी लोग अपनी निकाल रहे हैं, जो जो मतलब ना मकानों से चीज़ें निकल रही हैं, सरिया वगैरह बाकी भी जिससे थोड़ा बहुत इनका गुजारा चल सके वो ये निकाल रहे हैं, बाकी वो आगे डेमोलेशन जो मज़ीद हो रही है इस जगह पे। और ये पहले मैंने आपको दिखाई थी यहाँ पर खुदाई जो है मज़ीद हुई है, ये सामने कब्रिस्तान है, ये भी मेरे ख्याल से तो इसमें बीच में ही आ रहा है, ये जो है एक पुल लगा हुआ है HTV लाइन्स का, ये मुकम्मल तौर पर इसके बीच में। और ये सामने आपको घर नज़र आते होते थे जो काफ़ी टाइम से हम जो इधर आते थे और देखते थे, जो कि मुकम्मल तौर पे ये मलबे का ढेर है, यहाँ पर काफ़ी बड़े मकान थे सामने आप देख सकते हैं, मुकम्मल तौर पे जो है ख़त्म हो चुके हैं। और ये सामने आगे बसाली रोड है, ड्रिलिंग मशीन जो है वो पहुँची हुई है, यहाँ पर जो अंडर पास सब वे जो भी है यहाँ पर बनेगा बसाली रोड के लिए, ट्रैफिक का भाव इधर ज़्यादा होता है मेरे ख्याल से, यहाँ पर जो है अंडर पास या फिलहाल को कन्फर्मेशन नहीं है, इंशाल्लाह साथ साथ आपको डिटेल मिलती रहेंगी। तो अभी बसाली रोड के ऊपर चल के आपको दिखा देते हैं, और ये मैं बसाली रोड के ऊपर हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ड्रिलिंग मशीन पहुँच चुकी है, यहाँ पर जो अंडर पास होना है HLC अजिलतीफ कंस्ट्रक्शन कंपनी जी, जिन्होंने बाराकाऊ बाईपास बनाया है, और आगे जो है अडियाला रोड पे लगे हैं वही यहाँ पर भी वर्किंग कर रहे हैं, साथ में ये घर भी आप देख सकते हैं जो मुकम्मल तौर पर डेमोलेट हो चुके हैं, ये ईंटें वगैरह लोग अपनी लोड कर रहे हैं, इसमें कुछ दीवारें और ये दरख्त जो है खजूर के इसमें बचे हैं, सामने ब्लॉक पर फैक्ट्री भी मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है, और इस साइड पर भी आप मशीनरी देख सकते हैं लगी हुई है, खुदाई का काम जारी है काफ़ी, यहाँ से रोड ने जो है वो डाउन होना है,
पानी काफ़ी ज़्यादा था इधर, वो भी चल के देखते हैं। और आगे भी एक मस्जिद और घर मैंने दिखाया था, वो चल के देखे हैं कहाँ तक उसका कोई प्रोसेस पहुँचा है, क्योंकि आगे का एरिया कोई 2 हफ्ते हो गए मैंने 3 दिखाया नहीं है। मिड का जो ये पोर्शन है ये भी चल के देखते हैं फिर। ये काफ़ी सारी खुदाई हुई है यहाँ पर। एक ये शर्ट हमें नज़र आया था पहले, जहाँ पर जो है आपको दिखाई थी वर्किंग हुई थी अर्थ टेस्टिंग। ये एक रोड है यहाँ पर जो है सबवे होना है, वैशाली रोड के बिल्कुल साथ ही ये जो सामने आपको घर नज़र आ रहा है ये फिलहाल बचा हुआ है साइड पे ही है, क्योंकि इसी के बेंड में से ये रोड निकल रही है। और ये मस्जिद है इस घर के साथ, ये सरकारी रोड है रास्ता यहाँ से। यहाँ पर जो है सबवे होना है, ये दरमियान में से जो है ये आप देख सकते हैं ख़त्म हो चुका है। ये मज़ीद जो है आगे एक्सपेंशन हो रही है, खुदाई का अमल जिसे कहते हैं ये जारी है। तो ये डोक राजा ही है, इसके साथ जो मैंने आपको भी दिखाई है, नाम मैं भूल जाता हूँ बार बार, सिग्नल भी इधर कम है। यहाँ से मट्टी इस साइड पे जो है ये आप देख सकते हैं डाली जा रही है, रास्ता उस साइड से बाइक हमारा इधर से नीचे आ रहा है, यहाँ से आगे चलते हैं। और अभी तकरीबन मैं जो है 7 RD पे पहुँच चुका हूँ। 7 RD का ये एरिया यहाँ पर कलवर्ट होनी है, ये आगे जो आपको नज़र आ रहा है। तो इस साइड पे तो कोई मशीनरी नहीं है, ये क्रॉस करके तो हम आगे चलते हैं। दूसरे महीने तक टाइम है तकरीबन, इन्होंने ना सारा ये ट्रैक क्लियर करना है, जो अर्थ फिलिंग वर्किंग का जितना काम है उसके बाद बाकी ऊपर रोड का काम शुरू होगा। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं जी कब जो है रोड बनना शुरू होगी या बाकी इसका काम। जो एक्सप्रेसवे के ऊपर काम लगा हुआ है वो तो हर पुरानी रोड है, ये तो आपको नई रोड दिखाई जा रही है। शुरू से जो है काम इसका जो चल रहा है, शुरू से लेके आखिर तक जो है स्ट्रीट लाइट लगने तक इंशाल्लाह आपको दिखाया जाएगा ज़िंदगी रही तो इस पर काफ़ी टाइम अभी लगना है। ये हमारे लिए जो पहले पुराना रास्ता था यह तो ख़त्म है, ये अब नया एक बना है, हम इस साइड से अभी चलते हैं, क्योंकि इधर तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी कीचड़ वगैरह बना हुआ है। तो इस साइड से हम चल के देखते हैं क्या कोई पोजीशन है। ये सारा जो है इधर कलवर्ट एक होनी है, उसी का ये रास्ता जो है साफ़ है, पानी नहीं है। तो यहाँ पर भी बच्चे इंजॉयमेंट कर रहे हैं, क्रिकेट के ग्राउंड बने बनाए इनको मिल गए जब तक रोड बनती है। और ये पानिया वाली साइड का जो एरिया है सारा, उसका पानी यहाँ से गुजर के आगे जाएगा। जितनी ये ज़मीनें हैं यहाँ पर भी कलवर्ट होगी, ऊपर जो है कंपेक्शन हो रही है, ग्रेडर भी खड़ा है। बाकी इंशाल्लाह कटवा कलवर्ट जो है आपको बाद में कंफर्म करूँगा, किस जगह बॉक्स कलवर्ट है किस जगह पाइप कलवर्ट है, वो तो बाकी आगे वर्किंग शुरू होगी तो फिर ही कन्फर्म होगा। उस एरिया में भी कलवर्ट कई आसार नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी कलवर्ट ही होनी है, क्योंकि सारा जो पानी है इसी एरिया से गुजर के आगे जाता है। ये मैं थोड़ा सा गलत हो गया हूँ, बानिया का एरिया जो है वो आगे चल गया है, ये जो है डोक राजा गामू और राजा कश्मीरी हैं इस साइड पे। और ये साथ जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है ये आप देख सकते हैं शहीद की जा रही है, इसको जो है दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा। पिछली वीडियो में आपने देखी थी कि ये बिल्कुल जो है सलामत थी, अभी जो है ये प्रोसेस इसका शुरू हो चुका है। और ये भी एक सरकारी रास्ता आ रहा है, आगे जो है गाँव है इनको भी यहाँ पर सबवे मिलेगा। बाकी आगे जो है ये ड्रिलिंग मशीन खड़ी है, वो भी चल के देखते हैं यहाँ पर क्या प्रोसेस होना है। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है पाइल टेस्टिंग होगी, कोई आगे अंडर पास वगैरह हो या जो भी है, देखते हैं चल के क्या कोई प्रोसीजर है। काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेशन यहाँ पर हुई है, ये भी आप देखें यहाँ पर जो है काफ़ी साथ साथ अभी कंपेक्शन भी शुरू होगी। ये तकरीबन 7.8 RD का एरिया है सर, और ये आप देख सकते हैं जी तकरीबन 8 RD का एरिया, और यहाँ पर जो है ये पानी निकला है दोबारा से, एक्सप्रेशन हो रही है। और साथ साथ जो है ये पानी आप देख सकते हैं ज़ेरे ज़मीन पानी जो है कितना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 फुट पे है इस जगह पे, इस सारे एरिया पे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से एक रास्ता निकाला गया है, सरकारी रास्ता जो है वो पहले जो मैंने मस्जिद वाला आपको दिखाया है वो यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ से ही रास्ता आगे जो है ऊपर निकलेगा चकबेली रोड की तरफ, ये इधर से आगे डंपर आ रहा है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो ड्रिलिंग मशीन खड़ी है यहाँ से जो है ये इधर इनको जो है ना फ्लाई ओवर मिलेगा गाँव वालों को, यह सब वे जो मैं पहले आपको कह रहा था, तो यहाँ पर जो है ये रास्ता दिया जा रहा है। ये मशीन जो खड़ी है ये इसी के लिए यहाँ पर लाई गई है, यहाँ पर पाइल टेस्टिंग वगैरह होगी, वो भी इंशाल्लाह साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी सामने चकबेली रोड का एरिया आ रहा है, वो भी उधर चलते हैं।
और ये बानिया के इलाके का पथरीला ट्रैक आ गया दोबारा से, तो इसके ऊपर भी वर्किंग जा रही है। एक्सवेटर्स लगे हैं साथ साथ यहाँ पर, यह मट्टी आप देख सकते हैं प्लेन का है। और ये जो है कंफर्म यहाँ पे लग रहा है कलवर्ट बनेगी, क्योंकि ये निशानात आप देख सकते हैं लगे हुए इस जगह पे, ये निशानात हैं। ये जो कलवर्ट का साइज है इससे मालूम हो जाता है कि ट्राली गुजरने का रास्ता जो है ना वो खाम हवा यहाँ पर होना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछे थे इर्द गिर्द के गाँव के कि एक जगह से दूसरी जगह हम जो है फंसने जब ट्रांसफ़र करेंगे। वैसे तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन होना है इस सारे एरिया में, ये तकरीबन जो है आपका 7.8 RD का एरिया बन रहा है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक जोन होंगे। लेकिन यहाँ पर भी ये कलवर्ट बन दी है, जो इर्द गिर्द ज़मीनें होंगी लोग इधर से दूसरी जगह जाएंगे तो इन्हीं कलवर्ट के थ्रू जो है वो हो सकेंगे, या बाकी आगे जो ओवर पास हैं सब वे। अभी हम ऊपर चलते हैं, काफ़ी ये गंदा ट्रैक है, साथ साथ जो है बुलडोज़र्स आगे लगे हैं, पथरीला एरिया है सारा ये। और यहाँ पर जो है ये रेतला पत्थर है, ये आप देख सकते हैं बुलडोज़र उस दिन भी हम आए थे कोई 2 हफ्ते पहले तो इसी जगह पर लगा था, बाकी भी अभी इसी जगह पर ये लगा हुआ है। काफ़ी टाइम इसको यहाँ पर लग जाना है फिलिंग में, क्योंकि ग्रेडिंग का अमल जो है अभी शुरू नहीं इधर होना कंपेक्शन का, पहले ये सारी फिलिंग होगी तो फिर जाके वो शुरू होगा, तो अभी इस पर काफ़ी टाइम लगना है। बाकी आप देख सकते हैं जी बुलडोज़र एक ही हमें नज़र आ रहा है साइड पे, और ये सामने एरिया आप देखें जी मुकम्मल तौर पर जो है फिल होना है। और ये घरों की डेमोलेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर हो रही है, टक्की गांव का एरिया, पहले भी आपको दिखाया था यहाँ पर एक घर था इस पोल के साथ, ये मुकम्मल तौर पे डेमोलेट हो चुका है इस साइड पे भी। और यही जो है यहाँ पर सब वे होना है, सरकारी रास्ता है आगे जाके ऊपर चकबेली रोड के साथ टच कर रहा है ये जो गाड़ी जा रही है, और इस साइड से ये टेम्पर आ रहे हैं यहाँ पर जो है खाली होकर आगे फिलिंग कर रहे हैं, ये यहाँ से एक्सवेशन हो रही है। बाकी ये घरों की डेमोलेशन भी आपने देख ली है, अभी चकबेली रोड के ऊपर चल के तो वीडियो का एंड करते हैं। और अभी मैं मेन चकबेली रोड के ऊपर पहुंच चुका हूं, 9.6 RD का ये एरिया है, 9.8 सॉरी। बाकी ये सामने आप मार्केट देख सकते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन थी कोई बनी हुई थी बिल्डिंग इसकी, तो ये भी गिराई जा रही है, ये सामने इसकी मुकम्मल तौर पे जो है डेमोलिशन स्टार्ट है। यहाँ पर भी जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपना सामान वगैरह रखा हुआ था, बस इसको उठा रहे हैं, ये भी मुकम्मल तौर पर जो है इस इंटरचेंज के बीच में आ रही है, और इस साइड पर इन्होंने अपना कैंप लगाया है। ड्रिलिंग मशीन जो आपको नज़र आ रही थी यहाँ पर वो उधर ही शिफ्ट हो गई है, पहले मैंने आपको दिखा दी है। और ये जो टेस्टिंग पाइल है इसके ऊपर लोड जो है वो डाल दिया गया है, और ये आप देख सकते हैं जी लोड जो डाला हुआ है चकबेली रोड इंटरचेंज। बाकी इसका तो हमें कोई ख़ास प्रोसीजर नहीं पता किस तरह होता है क्या होता है, मैंने पहले आपको हर बता दिया था कि 28 दिन का तकरीबन इसका प्रोसेस होता है, उसके बाद ये पता चलता है कि यहाँ पर पाइल बन सकती है, नहीं तो फिर और ये तकरीबन गहराई में फिर जाते हैं फिर ही पाइल का वर्क शुरू होता है। बाकी चकबेली रोड को डबल करने का जो प्रोसेस है वो भी जल्द ही शुरू होगा। चकबेली रोड इंटरचेंज का जो एरिया बनता है बांट रोड से वो तकरीबन 9.8 RD है, और आगे एयरपोर्ट से अगर आप शुरू होते हैं मोटरवे जो इंटरचेंज होगा इसका ठिकिया वाला वहाँ से 28 किलोमीटर बनेगा। बाकी यहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन होंगे और फार्मा इंडस्ट्रीज भी होंगी काफ़ी सारी, बाकी कोई इतनी खास मुझे मालूम नहीं है, तो इंशाल्लाह वो भी आपको अपडेट करते रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाजमी लाइक कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, उस टाइम तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।